भी कट कर दीजिएगा। स्वागत है आप सभी का न्यूज 9 में। हम मौजूद हैं अभी डेहरी में, हमारे साथ अभी मौजूद हैं भाजपा के ग्रामीण नगर अध्यक्ष आनंद पांडे जी। आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकाल रहे हैं महागठबंधन में सरकार बनाने के बाद, उसको क्या कहना चाहेंगे? अभी नीतीश कुमार जी का समाधान यात्रा जहाँ जहाँ भी जा रहा है वहाँ के पब्लिक, आम जनता काफ़ी विरोध कर रहे हैं। कहीं काला झंडा दिखाया जा रहा है, कभी दिव्यांग महिला अपना अर्जी लेकर जाती है तो उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो एक दिखावा मात्र कर रहे हैं, अपना पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जी यात्रा निकाल रहे हैं। इससे जनता का कोई लाभ नहीं है। यही सब देखते हुए इसी का माने प्रतिफल है कि हर जगह इनका विरोध हो रहा है, हर जगह काला झंडा दिखाया जा रहा है। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने खुद सीएम पद के लिए तेजस्वी यादव को ही प्रमोट कर लिया, और एक तरह से वही हुआ कि वो चाहते हैं कि यहाँ तेजस्वी जी चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री हम सभी को भाजपा के यशस्वी अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके व्यक्तित्व को देखते हुए और उनके कार्यकलापों को देखते हुए ये भारत देश नहीं विदेश में डंका बज रहा है, और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ मोदी मोदी या जय के जयकारा लग रहा है। तो अभी उनका कोई वैकेंसी यहाँ भारत में नहीं है, वो ना घर के रहेंगे ना घाट के। वो मुख्यमंत्री पद भी तेजस्वी जी को देंगे तो उनको तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार जी जो चाह रहे हैं और जो जनता को इतना दिनों से बरगला रहे हैं और झूठा आश्वासन दे करके बिहार में अभी कोई खास किसी के मकसद से काम नहीं हो रहा है, तो इस मकसद को देखते हुए मतलब कि जनता यहाँ उनको नकार रही है नीतीश कुमार। जिस तरीके से बिहार में NDA गठबंधन की सरकार थी तो RJD की तरफ से कहा जाता था कि यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। महागठबंधन सरकार में है, युवाओं को उम्मीदें थी, उसके बाद भी युवा निराश दिख रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहा है। और सत्य बात है, ये कुर्सी पाने के लिए ये लोग जितने भी हैं पूरे महागठबंधन के लोग अपने कुर्सी के सत्ता को काबिज करने के लिए झूठा आश्वासन दे देते हैं, और ये कुर्सी जब मिल गया तो कहाँ गया सारे लोग बेरोजगार हैं। अभी भी शिक्षा मित्र जो स्कूल में टीचर हैं उनको प्रति माह वेतन नहीं मिल रहा है, उनके सम किसी के बहुत गरीब लोग हैं, भुखमरी की स्थिति आ जा रही है, उनको रेगुलर किया जाए। और जितने भी आंगनबाड़ी सेविका है सहायिका है अपना सब अपना अपना मांग कर रही है कि हमें समय से वेतन दिया जाए, भत्ता दिया जाए, बढ़ाया जाए, कहाँ किसी को सुना जा रहा है, ना कोई काम हो रहा है। अभी जनगणना को लेकर देख लीजिए कि सारे टीचर को जनगणना में लगा दिया गया है, हैं। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जीविका दीदी देखेंगी स्कूल, क्या स्कूल देखेंगी, वहाँ कोई है, वहाँ बिल्डिंग देखेगी, वहाँ पर वहाँ टीचर सारे जनगणना में लगा दिए गए हैं, जो कि भाजपा और NDA सरकार चाह रहा था कि अभी जनगणना को टाला जाए, मैंने कम से कम 4-5 साल के बाद भी हो सकता है। यहाँ बिहार सरकार जो 500 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ जो जनता पर डाली, इससे बड़ी फैक्ट्रियां लग सकती थी, लोगों को नया रोजगार मिल सकता था, लोगों को जो काम कर रहे हैं युवक उनको टाइमली वेतन मिल सकता था, बहुत सारे कंपनियां फैक्ट्रियां खुल सकती थी। तो इसको NDA गठबंधन में जब नीतीश कुमार जी थे तो भाजपा चाह रही थी कि अभी जनगणना न होकर कुछ दिन बाद टाला जाए इसको। तो ये भाजपा से अलग होकर के धोखा दे करके ये राजद और गठबंधन के साथ सरकार बना लिए, और ये अपने ये जो जिद्दी टाइप का जो कह लीजिए कि जो अड़ जाते हैं वो गलत काम है कि सही काम है, क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। जिस तरीके से बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद आवाज़ उठाया गया कि विपक्ष के ही लोग शराब बेचवाते हैं। शराब इनके प्रशासन जैसे कि पुलिस पदाधिकारी के जिम्मे जो दिए हैं कि हर जगह छापमारी, उत्पाद विभाग के जो हैं, तो हर जगह तो आप लोग देख रहे हैं कि अखबार में TV में प्रतिदिन निकल रहा है कि यहाँ जहरीली शराब से इतने लोग की मौत हो गई, और कहीं कहीं निकलता है कि थाने के पीछे शराब बिक रही है, और पटना में भी निकला कि वहाँ पटना मुख्यमंत्री और इनके आवास और सचिवालय के आसपास में हर जगह अवेलेबल है। बिहार में शराबबंदी आपके हिसाब से कितना प्रतिशत कारगर है? 1% भी कारगर नहीं है। यहाँ के जो भी थे बेरोजगार लोग, किसान लोग या मजदूर लोग जो गंदा काम करते हैं या जो पूरा दिन भर थक जाते हैं काम करते करते, उनके लिए जो शराब जैसा था
मांझी जी भी कई बार शराब के लिए कह चुके हैं। तो ये बड़े बड़े जहाँ शराब सप्लायर हैं उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, पुलिस अफसर हैं, सारे लोग अपना उगाही के लिए उन लोगों को संरक्षण दे देते हैं, छूट दे देते हैं। नहीं तो शराब कहाँ से आता, जो कि इजी वे में आसानी से शराब मिल रहा है, और जो कि सरकार को भी इसमें जो राजस्व आता था, जैसे अन्य प्रदेश में है, वहाँ का सरकार के राजस्व से और दूसरा काम होता, विकास होता, कंपनियाँ लगती, फैक्ट्रियाँ लगती, नए नए लोगों को रोजगार मिलता। तो एक तरह नीतीश जी कहते हैं कि शराबबंदी किए हैं, तो जब बंदी किए हैं तो कहाँ से शराब मिल रहा है आपका? या तो फिर पुलिस पदाधिकारी या उत्पाद विभाग के जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो सारे लोग फिर निरंकुश हो गए। शराबबंदी बिहार में सिर्फ नाम का लागू है, नाम का केवल है, एकदम जीरो है इसमें। इससे तो कहीं अच्छा था कि जब पूर्व में जैसा चल रहा था, जब शराब अवेलेबल होइए जा रहा है, मिलिए जा रहा है, घर घर होम डिलीवरी, जहाँ जिसको जरूरत हो फोन कर दे, हेलो हाँ 5 बोतल शराब चाहिए, वहाँ उसको मिल जा रहा है। जो कि आखिर नहीं मिलता तो कहाँ से पकड़ाता? हर जगह पुलिस प्रशासन जब दबाव आता है कहीं से, सरकार का या कहीं से, कि नहीं पकड़िए, तब वो लोग पकड़ते हैं और फिर वही ढीला छोड़ देते हैं। विधानसभा चुनाव बीते हुए लगभग 3 साल हो गए, डेहरी से RJD के विधायक हैं, विकास किस तरीके से डेहरी में दिख रहा है? विकास कहाँ दिख रहा है इनका, तो हम नहीं कहीं देख रहे हैं कि कोई गांव में या कहीं नली गली सड़क या इनका विधायक फंड से योजना हो। जो पूर्व में हम लोगों के भाजपा NDA के प्रत्याशी थे इंजीनियर सत्यनारायण सिंह यादव, मात्र 1.5 वर्ष में वो उन्होंने हर एक गांव में, जहां भी जाइएगा दिखिएगा कि इंजीनियर सत्यनारायण यादव का बोर्ड लगा हुआ है, 4 लाख 5 लाख 6 लाख जहां भी जितना जरूरी था, उन्होंने मात्र 1.5 वर्षों में इतिहास रच दिया। जो कि आज़ादी के बाद यहाँ डेहरी में भाजपा का कमल खिलाने वाले इंजीनियर सत्यनारायण सिंह यादव विधायक हुए, कि जो 35,000 वोट से लीड करके, और उनको बहुत कम समय मिला 1.5 वर्ष में, हर जगह हर एक गांव को टच किए, विकास के लिए टच किए। लेकिन इनका विकास जो अभी वर्तमान विधायक जी हैं, तो हमको तो नहीं दिख रहा है कि कहीं इनका बोर्ड लगा हो सिले, या फंड दिए हों, या सामाजिक या जो भी वैसा जरूरत काम हो वहाँ इनका हो रहा है। उस तरह से हमें तो नहीं दिख रहा है और आम जनता को भी नहीं दिख रहा है। तो अभी आप सुन रहे थे आनंद पांडे जी को अपने कैमरा पर्सन बबलू कुमार के साथ डेहरी से, न्यूज़ 9।